वहाँ पे गाड़ी मार के देखो, ये देखो तब से बोली जा रही है, ये देखो गाली दे रही है, ये गाड़ी का नंबर नोट। भाई ग्रिल ग्रिल सारी निकल गई है, तो ये इसकी ग्रिल है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अभी बज रहे सुबह के 7:40 एंड नहीं भाई मैं फिर से पंजाब नहीं निकल रहा हूँ, हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ बिकॉज हम एक ऐसे ब्रांड के साथ आज शूट कर रहे हैं भाई जिससे ना ये पूरा जब देख रहे हो ना करण सहगल पूरा उससे शुरू है, मतलब दीपक सहगल तो फादर है, जिससे मुझे ब्रांडिंग से प्यार हुआ, कुछ ब्रांड से प्यार हुआ, मेरी पहली ब्रांडेड चीज। देखो हिंट दे रहा था थोड़ा सा, 11th 12th में ना हमें 2-3 बाइक ही चाहिए होती थी, एक R15, एक करिश्मा ZMR और एक जो भाई ने ली थी जो आप लोगों को पता ही होगा, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में आपको समझ आ गया होगा कौन सी बाइक की बात कर रहा हूँ, अभी भी मेरे आसपास है, मैं जब चाहो अपनी पहली बाइक मंगा सकता हूँ और अपनी पहली बाइक के साथ हम शूट कर रहे हैं भाई, मतलब जेन्युइनली बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब ये आया ना मैंने कहा भाई साहब एक ना फुल साइकिल लाइफ चला ही देता है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली की तरफ, देन आप भी साइकिल चला सकते हो, दो मिनट लगा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो भाई, कमेंट करो, एंगेजमेंट बढ़ाओ, एंगेजमेंट नहीं बढ़ाओगे तो वीडियो चलेगी नहीं, अगर चलेगी नहीं तो हम ऐसे अपने ड्रीम ब्रांड से कैसे कोलैब करेंगे फिर। मैंने एक चीज देख ली, हो तो हम 30 साल के गए बट ब्रांड्स हम ऐसे कर रहे हैं जो हमें ना पूरे अपने कॉलेज दिन स्कूल दिन के याद दिला रहा है, बिकॉज गार्डनियर भी हमने करा, वो हम एक इंजीनियर कॉलेज गए वहां पे हमने रीलिव करा एंड अभी जो हमारी पहली बाइक थी उसी के साथ हम शूट कर रहे हैं, मतलब ये भाई लाइफ ना फुल सर्कल ले ही आती है कि जो चीज आपने जहां से शुरू करी होती है ना भगवान कहता है ये तूने ऐसे जिया अब तू ऐसे जी, बिकॉज भाई 8 घंटे का शूट है, प्रॉपर टीम आई हुई है, मैं बड़े टाइम बाद ऐसे टीम के साथ शूट कर, बिकॉज लास्ट मैंने आई थिंक ब्लू स्मार्ट किसी का करा था, तो आज ये लोग कह रहे 6 से 8 घंटे में निपटा देंगे, 7 पेज की स्क्रिप्ट, मुझे नहीं लगता खत्म होगा, बट देन जब आप देखोगे आप बोलोगे मजा आया। शूट ऑलरेडी चल रहा है हमारा, और भाई कैमरा पे पतले दिखने के लिए ना 3 दिन से मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मतलब ऐसे 4 बजे के बाद अगले दिन 10 या 11 बजे तक मैं खाना नहीं खाता हूँ, अभी 8 बज रहे और हालत हो रही है टाइट, चाय नहीं पी सकते फास्टिंग में बट हम फिर भी पी रहे बिकॉज भाई ऐसे तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, और फिर सीपी के शूट की जगह मेरा हॉस्पिटल का शूट कर रहा हूँ। Exciting for all motorbike lovers. सर रो और फिर दूर से आना ओवरटेक करने। करंट पीछे रहो और पीछे चले जाओ। ओके रोड। और पीछे चले जाओ करंट पीछे रह जाओ पीछे रह जाओ। सीन्स कुछ ऐसे है कि हमारी शक्ल ना उनको पसंद आ रही थी बट हमारे से मिलती जुलती शक्ल भी इनको मिल गई, हमारे रोल प्ले कर रहे हैं, अभी पहचानोगे नहीं भाई, मिक्स शॉट्स हो रहे, बोलने वगैरह सारा मैं ले रहा हूँ, राइडिंग शॉट्स भी थोड़े मेरे हो रहे हैं, जो एक्सपर्ट राइडिंग जिसमें चाहिए उनके लिए एक्सपर्ट को बुलाया, मुझे कमेंट्स आएंगे हाँ भैया बाइक चलाओ मत आप एक्सपर्ट से और बिगिनर हो जाओ नूब हो जाओगे नूब, आप कार चलाते ना आप बाइक से जो मजा आता है मैं अभी भी चला रहा था, खाली सड़कें तो मजा आता है। ऐसा लग रहा भैया धूप तो मुझे लगा कैमरा देख के खिंचाने हैं, फिर कहता मैं नाम बताइए फिर नाम बता दिया। दूसरा शूट हो चुका है, ये हमने शूट करा था हिंदू कॉलेज के बाहर, काफी ज्यादा सही था भाई, टीम पूरी निकल चुकी है, मैं भी निकल रहा हूँ, मैं सोच रहा था BMW लाने के लिए बट मुझे पता था कि मुझे इधर उधर जाना ही जाना है एंड BMW हमारी जा चुकी है तो उसको भी मैं आप लोगों को बाइक नहीं दिखा सकता बट ब्रांड बता सकता हूँ पल्सर, और मेरे पास भी थी पल्सर 220F, उससे रिलेटेड नहीं है, मैंने ब्रांड को बोला मैंने कहा एक उससे रिलेटेड बनाओ कि कहाँ हमारी फेवरेट बाइक होती थी पल्सर 220 एंड हमने वहां से अपने स्कूल के दिन शुरू करे थे, वहां पे गाड़ी मार देखो ये देखो तब से बोली जा रही है, मम्मी ने तो बोला डिस्टेंस बना के रखो, ये देखो गाली दे रही है, ये गाड़ी का नंबर नोट कर लो, ये देखो तब से बदतमीजी अब चली गई ये देखो, बट गाड़ी को कुछ नहीं हुआ भाई सॉलिड है गाड़ी, आईफोन जहाँ काम आना चाहिए ना वह काम नहीं आता भाई, मैं तब से रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, फिर बार बार वो 2-2 सेकंड की क्लिप बन रही थी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे लेडीज ड्राइविंग और मेंस ड्राइविंग सब बराबर लगती है बट कुछ लेडीज जो ओवर कॉन्फिडेंट होती है ना भाई, मैडम जी सीधा सीधा जाके बताओ इसको गूगल मैप का क्या टर्न लेटरलाइज हो, एकदम से लेफ्ट काट दिया और पट करके स्कॉर्पियो के आगे एंड तब से इतनी बदतमीजी से बात करी है भाई, मम्मी ने तो बोला था डिस्टेंस बना के रखो, तो मैंने गाड़ी भी थोड़ी दूर लगाई और मैं कहा बात करता हूँ बट वो मैडम वहां से चिल्लाने लग गई, तो मैं दूर से मैंने कहा आप इधर मत आना उधर से वीडियो बना लो जो आपको करना है, तो मैडम भी अपना फोन ले आई थी, कुछ हुआ नहीं थोड़ा बहुत आया बट एज सच ऑल गुड, लेडीज के मामले में ना एक तो फोन निकाल लो दूसरा डिस्टेंस बना के रखो क्योंकि पता नहीं होता क्या हो रहा है, कुछ सब्सक्राइबर्स भी आ गए थे बट देन ठीक है, मैंने कहा ऑल ओके, सेकंड लास्ट लोकेशन पे आ चुके हैं, अभी 1-2 घंटे का शूट रह रहा है, मैं हॉर्स खास में भाई मैं बता रहा हूँ दिल्ली की सड़क मैं वापस आके इतना अच्छा लगता है, लास्ट का पार्ट हमारा बहुत ही ज्यादा क्रेजी है बिकॉज ये चेक करो, ओहो बचपन से यही होता है स्केटबोर्ड करेंगे, मुझे नहीं पता दिल्ली में स्केटबोर्ड पार्क भी है यार, भाई जो वीडियो आएगी ना लास्ट का पार्ट इतना ज्यादा क्रेजी होने वाला है ना आप लोग देखते रह जाओगे बिकॉज
भाई मैंने लास्ट शूट 12 घंटे का करा हुआ था, ये भी अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे हो गए, बट आई थिंक वो वाला रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये है कि वो वाले शूट में ना छोटी सी वीडियो थी, ये वीडियो इतनी ज्यादा मजेदार है एंड जब भी आएगी ना मैं आप लोग को डेफिनेटली शेयर करूंगा। ये वीडियो देखने वाली है, बहुत मेहनत करी है ना केतन भाई, थक गए सबकी बस हो गई है। डायरेक्टर साहब भी कह रहे हैं भाई पैसे बढ़ते जा रहे हैं, खत्म कर दो। 12-13 घंटे कर लो, जो भी करा है अच्छे से करा है और दिल से करा है भाई। लगनी रहा था कि कुछ काम है, फन हुआ है और वहाँ पर हम लोग अपनी एक्स वाइफ का अपडेट लेने आए थे बिकॉज हमारी एक्स वाइफ जा चुकी है एंड दुल्हन जब कहीं जाती है तैयार होकर जब वापस आती है ना तो खुशियां लेके ऐसे कुछ हो रहा है भाई। ग्रिल ग्रिल सारी निकल गई है, तो ये इसकी ग्रिल है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड जो लाइटिंग होती है ना वो इसके अंदर ही होती है। तो ये गाड़ी स्पेशली BMW गई थी, पूरा रिमूव हुआ, फिर वापस आई है, अब इस पे काम होगा एंड देन आपको एक छोटा सा बड़ा धमाका मिलेगा। मेरी बहन कुछ ज्यादा ही समझदार है, सुबह से प्लान बनाए हुए हैं कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। कौन सी तारीख का शो था? पैसे भी दे दिए टिकट के? हमें पूरा तैयार करवा रही कि मैं पहुंच रही हूँ, हर्ष गुजराल आए हुए, वो है 10:30 बजे। मेरी तो हालत नहीं होती, 13 घंटे शूट कर लिया भाई, हो गया कि बस फुस्सी हो गई एंड कल मुझे फिर से शूट करना है। तेरे साथ कोई नहीं जाना चाहता था, अब हर्ष गुजराल भी तो अकेले जा, मम्मी को ले जा हर्ष गुजराल। मम्मी ने उसको साइड पे बुला ले, बेटा ज्यादा गालियां निकल रही है, 10 दिन बाद का शो है अभी के लिए निकल गई, पैदल जाती ना पहुंच जाती 10 दिन। हमारे पास एक और गेस्ट आ चुके हैं, खन्ना जी। आज हम खन्ना जी के साथ शूट कर रहे हैं, ऐसी मूवी शूट कर रहे हैं जो आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि ना वो कमरे के अंदर, वो थोड़ा सीक्रेट जगह पे डलेगी। बट एक हम और वीडियो शूट कर रहे हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी एंड साथ के साथ ये व्लॉग हम अगले दिन कंटिन्यू करें। और आपकी हर क्लास में एक ओवर अचीवर होता है ना, हमारे शूट का ओवर अचीवर खन्ना है भाई। इसने बड़े दो दो पैराग्राफ्स के ना डायलॉग्स अपने लिए लिखवा लिए और मेरे लिए थोड़े बड़े सिंपल डायलॉग्स हैं। हाँ भाई सच में? इतने प्यारे डायलॉग्स हैं, मतलब भाई की हाँ में हाँ मिलानी है वो हम वैसे मिला देंगे, टेंशन नहीं करता। मतलब ये हमने सारा सेटअप कर लिया, यहाँ पे फोन है, यहाँ पे कैमरा है, वहाँ पे कैमरा। शूट हमने निपटा लिया है, बढ़िया एंडिंग हुई, मतलब मौसम अच्छा था और कुछ नहीं मैं कह रहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। इसने बहुत सारे रीटेक लिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इसने 20 डायलॉग अपने नाम के थे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा इसने प्रैक्टिस नहीं करी यार भाई। मुझे कहता मैंने याद करके कहता हाँ हाँ कहता मैंने तो कल ही पढ़ी थी स्क्रिप्ट, मैंने डाउनलोड भी सुबह करी थी, गाड़ी में से स्क्रिप्ट डाउनलोड करी है। वो बच्चे होते हैं जो बैक बेंचर्स, मतलब हमारे से भी गए गुजरे, एक हम होते हैं जो 1 घंटा पहले पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत पास होते हैं, ये वो होते हैं जो 1 घंटे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं बट फिर पास नहीं होते। पप्पू फेल हो गया, वो ब्रांड बताएगा क्योंकि भाई देखो ड्राइविंग भी इसने करनी थी, स्क्रिप्ट भी इसको बोलनी थी, मैं बस हाँ सच्ची है ऐसे करो। अपना शूट वगैरह सारा हो चुका है, फाइनली भाई इतने महीनों बाद हम अपने क्रॉसफिट जिम में आ चुके हैं एंड हिम्मत तो नहीं हो रही, बट देन आप लोगों को पता चल जाएगा भाई रीस्टार्ट करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और ये मज्जू भाई का लेंस टेस्ट कर रहे हैं, उसने हमारा 16-35 रखा हुआ है, हम उनका 12-24 ले आए थे बिकॉज हमें गाड़ी के अंदर शूट करना था, इससे काफी ज्यादा वाइड आता है। सो डू लेट मी नो कि 16-35 को अपग्रेड करके हमें ये लेना चाहिए बिकॉज भाई इसमें पता चलता है कि हाँ आसपास है दुनिया। हेलो चैनल वेलकम टू माय गाइस, बोल दे भाई बड़ा अच्छा बोलता तुम। हेलो चैनल वेलकम, कैरी भी नॉट। हमें भाई अभी हैंड स्टैंड करना सिखा रहे हैं बट हमें आता है तो हम नहीं करेंगे, सब आता भाई, पैरों पर मैं चल भी सकता हूँ 2-2 किलोमीटर। हम कैमरा के लिए करें, बड़े दिनों बाद आज तो फुल वर्कआउट हो गया, मतलब जिम भी चले गए, क्रिकेट में 2 मैच जीत गए हम है भाई, इनके तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना। अंपायर आके तेरे करवाता हूं एक्स्ट्रा रन, 2 मैच हार रहा है तो 2, अब बोल कुछ, 2 मैच हार गया ना कंटेंट बनाना, पहले हमें खेल लेंगे गाइस, बॉलों की कमी पड़ी हम इसको ले। भाई आज इसको बड़े छक्के पड़े हैं, पड़ गया 41 यार ये लेंस से ना मुझे इतना ज्यादा प्यार हो गया गाइस, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा महंगा है बट देन ना इससे इतना ज्यादा वाइड आ रहा है, मुझे लग रहा है ब्लॉगिंग का सेंस ना और अच्छे से बाहर आ रहा। डू लेट मी नो, थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा बट अपनी जनता के लिए खरीद। तो आई नो व्लॉग्स थोड़े से पुराने बासी हो चुके हैं भाई, इतना ज्यादा काम पेंडिंग था तो सारा काम खत्म हो चुका है, अब हम बैक ऑन ट्रैक आ चुके हैं। आज भी व्लॉग शूट कर रहे हैं, आज एक स्पेशल डिलीवरी के लिए जा रहे हैं जो आपको आने कुछ व्लॉग्स में पता चलेगा एंड भाई साथ के साथ वीडियोस काफी ज्यादा तगड़ी बनी है। मैंने अपनी पल्सर की वीडियो बहुत अच्छी शूट करी है, मारुति की वीडियो बहुत अच्छी शूट हुई है जो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, सो डू चेक इट आउट एंड हम करेंगे आज का व्लॉग एंड। थैंक यू फॉर द लवली रिस्पॉन्स, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो।
you did, don't forget to give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe channel, press the bell notification on से आप लोगों को पता चलेगा next vlog's life. And भाई अभी हम कुछ चीजें कर रहे हैं, आपको आने वाले vlog में पता चलेगा. I'll see you next vlog.